मैं जब भी बंगाल आता हूं मैं यहां से आप सब से प्रेरणा लेकर मैं वापस जाता हूं। मैं कहने के लिए विषय नहीं कह रहा, ये अतिशयोक्ति नहीं है, पर आप जिस प्रकार से ये टीएमसी के माफिया के खिलाफ आप जान खतरे में डालकर भी आप जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भारतवर्ष के हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को प्रेरणा देता है। मैं आप सबको भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से, यहाँ के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को, यहाँ के बीजेपी के हरेक कार्यकर्ता को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ, आप सबके तप, आप सबके प्रयास, आप सबके ये संघर्ष के लिए। साथियों, आप सब जानते हैं 14 और 19 में आप सबके वोट के वजह से, आप सबके एक वोट के ताकत के साथ देश में नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व वाली एक स्थिर सरकार लगभग 40 साल के बाद स्थापित हुई। 2014 और 2019 के चुनाव के सबसे बड़ा महत्व चीज यह है कि वो परिणाम में देश के युवाओं का सबसे बड़ा योगदान था। बोथ 2014 एंड 2019 इलेक्शंस मार्क द टर्निंग पॉइंट इन इंडियास हिस्ट्री, in India's future, and in both of these elections the young of India played a very very vital role. Aur is bar bhi jis prakar se 14 mein aur 19 mein desh mein jo rajneetik parivartan le aane mein yuva kaam kiye the, is bar बंगाल में जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन 2024 के इस चुनाव के बाद होगा उसमें भी बंगाल के युवा के रोल सबसे बड़ा होगा, ये युवा मोर्चा के अपने कार्यकर्ता का रोल सबसे अहम होगा। साथियों, पिछले 10 साल में देश हर प्रकार से आगे बढ़ चुका है। 10 साल पहले देश में कांग्रेस की सरकार जब थी केंद्र में, रोज लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले के बारे में हम पढ़ते थे, देश में आतंकवाद और नक्सलवाद फैल चुके थे, देश असुरक्षित था, देश की आर्थिक व्यवस्था अत्यंत कमजोर हो चुकी थी। वी वर अमोंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। पर 10 साल के अंदर अंदर ये पूरी स्थिति को नरेंद्र मोदी जी ने परिवर्तित किया है। आज भारत समृद्ध है, आज भारत सुरक्षित है, और आज भारत विश्व में सबसे तेज गति में बढ़ने वाले आर्थिक शक्ति है। वी आर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। जो काम दशकों से नहीं हुई थी, जो काम सदियों से नहीं हुई थी, ऐसे काम को भारतीय जनता पार्टी के सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, हम कंप्लीट किए। 70 साल से आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन पेंडिंग था, आप नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में आप बिठा दिए और नरेंद्र मोदी जी 70 साल से जो आर्टिकल 370 का दुरुस्त नहीं हुआ था उसका बर्खास्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 500 साल से देश के हिंदू हम सब इंतजार कर रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। 500 साल से यह संघर्ष जारी था, पर आप 14 में और 19 में पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप दे दी और आपके एक वोट के वजह से आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का पुनः प्रतिष्ठापन हो चुका। ऐसे कई सारे काम पिछले 10 साल में हुआ, विशेष रूप में युवाओं को करोड़ों करोड़ों संख्या में रोजगार देने का काम हुआ। पिछले 2 साल में मिशन मोड में केंद्र सरकार के 10 लाख से अधिक केंद्र सरकार के गवर्नमेंट जॉब्स के अपॉइंटमेंट देने का काम मोदी सरकार ने किया। ईपीएफओ में 5 करोड़ से ज्यादा अधिक न्यू सब्सक्राइबर्स, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा न्यू एम्प्लॉयमेंट भारत में सिर्फ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जनरेट हुआ है। 10 साल पहले भारत में 300 के आसपास के स्टार्टअप्स थे, आज देश में 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स है। आज भारत
पिछले 10 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब को गरीबी से मुक्ति दिलाने का काम भारत किया है, ये आप सबके वोट के कारण से हुआ। एक और भारत ऐसे आगे बढ़ रहा है और दूसरी ओर अपने बंगाल टीएमसी के और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली ये माफिया सरकार के वजह से आज हर प्रकार से पीछे है। अनिर्बान जी, मैं आज मथुरापुर गया था, मैं घुसपैठियों के बारे में, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़े थे। मैं जब विद्यार्थी परिषद में था हम सब मिलकर आंदोलन किए थे, पर आज मैं मथुरापुर में आज सुबह से शाम तक जब दौरा किया साथियों, मैं मेरे जीवन में इस प्रकार के घुसपैठियों का इन्फिल्ट्रेशन मैं स्वयं नहीं देखा था। रोड के अगल बगल दोनों रास्तों पे किलोमीटर किलोमीटर तक रोहिंग्या मुसलमान जो यहां से घुसपैठ करके अंदर आए हैं, जिसके लिए आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर कार्ड ममता बनर्जी की सरकार रेड कार्पेट लेकर कर रही है, हजारों संख्या में इन लोग टेनमेंट्स कर चुके हैं। ये भारत के सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यहां के बंगाल के युवाओं के जो अवसर है, ये अवसर को ये रोहिंग्या मुसलमान, ये घुसपैठी लोग छीन रहे हैं। और एक सरकार ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के बजाय ऐसे घुसपैठियों को आरक्षण देकर, संरक्षण देकर, उनको गरम गरम आधार कार्ड, वोटर कार्ड देकर उनको वोट बढ़ाने का काम में ममता बेगम की सरकार, माफिया सरकार जा रही है। साथियों, मैं आप सबको याद करने के लिए यहां आया। आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है तो वो सिर्फ और सिर्फ श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के वजह से, उनके काम के वजह से है। और हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वही लेगेसी को कंटिन्यू करके संघर्ष कर रहे हैं। हम सब के जिम्मेदारी है आज के पश्चिम बंगाल भारत के साथ अक्षुण रहना है। तो ये जो घुसपैठी है इनको चुनकर चुनकर देश के बाहर करना है, ये भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार के वजह से होगा, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के परिश्रम के वजह से होगा। साथियों, यहां जो ममता बेगम की मुगल जैसे सरकार जो है, ये सरकार यहां के हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहा है, यहां के हिंदू युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूं, 2011 के बाद ये ममता बेगम की ये जिन्ना टाइप की सरकार बंगाल के रिजर्वेशन लिस्ट में, ओबीसी लिस्ट में नए नए जातियों को ऐड किया, 71 नए कास्ट को ओबीसी के अंदर डाला गया, उसमें 65 जो जाति थे वो सब मुसलमान के जाति थे। आउट ऑफ 71 कास्ट दैट वर एडेड टू द ओबीसी लिस्ट आफ्टर 2011, ममता बनर्जी मुस्लिम अपीजमेंट सरकार एडेड 65 मुस्लिम कास्ट, सिर्फ 6 हिंदू कास्ट बचे थे। मतलब जो आपके ओबीसी के रिजर्वेशन है, एससी एसटी के रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन को छीनकर अपने वोट बैंक को बढ़ाने के काम में आज ममता बनर्जी की सरकार काम कर रही है। आज यहां महिला सुरक्षित नहीं, युवा सुरक्षित नहीं, आज संदेश खाली में एक शाहजहां को बचाने के लिए हजारों अपने माता बहनों को आज कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है आप सब जानते हैं। ऐसे सरकार को आप क्या स्वीकार कर सकते हैं क्या? ऐसे सरकार को उखाड़ कर फेंकने का जिम्मेदारी हम सबका है या नहीं है? साथियों, मैं आप सबसे आज निवेदन करने के लिए यहां आया। जैसे राजू जी ने उनके भाषण में बोले, देर वॉज अ सेइंग
What Bengal thinks today, India thinks tomorrow. This was the culture about Bengal. But आज हर प्रकार से बंगाल पीछे है, सांस्कृतिक रूप से बंगाल गिर रहे। रामनवमी के प्रोसेशन करने के लिए, दुर्गा पूजा का पंडाल करने के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ रहा है। आज जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो कार्यकर्ता थे उनका भी मर्डर हो रहा है। ये यहां की स्थिति है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, पिछले 10 साल में भारत स्वतंत्र भारत के सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में पिछले 10 साल में आया है, परंतु पिछले 10 साल में अत्यंत कनिष्ठ, अत्यंत कम एफडीआई इनफ्लो किसी एक प्रदेश को आया है तो उसमें बंगाल है। बंगाल डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है। बंगाल के युवा बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों को काम के लिए पलायन करने का मजबूरी हो रहा है। यहां ना इकोनॉमी बढ़ रहा है, ना सांस्कृतिक सुरक्षा है, महिला का सुरक्षा नहीं है, युवा को अवसर नहीं है। यहां टीएमसी के, पीसी और भाईपो के ये माफिया राज यहां चल रहा है। और मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं 4 तारीख को जब चुनाव के परिणाम आएगी और चुनाव के परिणाम में 30 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के एमपी चुनकर आएगी, उसके बाद ममता बेगम की ये मुगल सरकार को जमीन से उखाड़ कर फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी हम करेंगे। मैं आप सबको अंत में एक ही रिक्वेस्ट करने के लिए आया। आज जब हम आ रहे थे, हर घर से लोग आ रहे थे और जिस प्रकार की स्वागत, जिस प्रकार का रिसेप्शन अनिर्बान जी को मिला, ये इंडिकेशन है 4 तारीख के परिणाम का। पर हम सबको एक काम करना जरूरी है साथियों। ये बात आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हम समाज में 80% है, पर हम पोलिंग के दिन हम सिर्फ 20% पोलिंग करते हैं। पर ये टीएमसी के, इंडी गठबंधन के समर्थक समाज में सिर्फ 20% है, पर ये लोग 80% पोलिंग करते हैं। हम इस बार तय करना है, अपने हर एक समर्थक को हम बाहर लेकर आएंगे, उनको धैर्य देंगे और हर एक भारतीय जनता पार्टी के वोटर का 100% मतदान कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी के अपने अभ्यर्थी, अपने प्रत्याशी अनिर्बान गांगुली जी को ऐतिहासिक बहुमत से यहां से जिताएंगे, उनको पार्लियामेंट भेजेंगे और ये मुगल वाली सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम हम बंगाल के धरती से करेंगे। यही संकल्प के साथ मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ उच्च कंठ से बोलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम। और ताकत के साथ बोलिए साथियों, वो जो रोहिंग्या घुसपैठ बैठे हैं वो घुसपैठियों तक जाना है अपने जय श्री राम का नारा। ऐसे बोलिए, भारत माता की जय, श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।